रायबरेली समाचार चैनल देखने के लिए YouTube के आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्दी का सितम, शहर गांव सब ठिठुरे, जगह जगह कागज व लकड़ी जलाकर ठंड में राहत पाते लोग। रायबरेली जिले का पारा 4 डिग्री सबसे ठंडा दिन रहा आज। ठंड कहावत को भी झुठलाने लगी। एक पुरानी कहावत है, आधे माघे कांव कांधे। यह बात पहले कही जाती थी। मकर संक्रांति की समाप्ति के बाद सूरज देवता के मकर राशि में आ जाने के बाद माना यह जाता था कि अब ठंडक चली गई। इस बार इसका उल्टा हो रहा है। यह कहीं से नहीं लग रहा है कि सूरज देवता पृथ्वी के नजदीक आ गए और ठंड से राहत। ये अब ये क्या कहाँ ना आडू आप हाँ उधर कहाँ नाम डाटा अरे सर कहाँ लेटे हो आप यहाँ पे ये तो है मंदिर है नहीं नहीं कहाँ घर है आपका चंदापुर में लेटते हैं हम लोग रात दिल्ली हाँ रैन बस एकदम नहीं गए आप वही बगल रह ये कौन है वो बाबा है रात लेगी। अब तो मकर संक्रांति क्या बीती ठंड का सितम और बढ़ गया। बीते 2 दिनों से रात 12 से 1 बजे के बीच पारा 4 डिग्री बता रहा है। इस हार्ड कपाव ठंड से आम जन जीवन से लेकर पशु पक्षी तक बेहाल हैं। रायबरेली जिले में सर्दी का सितम जारी है। रात का न्यूनतम तापमान सोमवार को सबसे कम 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कड़ाके की सर्दी और गलन से शहर गाँव सब ठिठुरे हुए हैं। बाजारों में सन्नाटा दिख रहा है। गांव में अलाव के ईद गिर्द ही लोग जमा हो रहे हैं। मंगलवार को दोपहर का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार की रात में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर पहुंच गया। कोहरे की वजह से सुबह दोपहर शाम का पता ही नहीं चला। सोमवार को थोड़ी देर के लिए सूर्य देव के दर्शन हुए, लेकिन मंगलवार को सूरज निकला ही नहीं। पूरा दिन लोग ठिठुरते रहे। नगर पालिका द्वारा बनाए गए रैन बसेरों में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। रैन बसेरों में भी लोगों की संख्या बहुत कम है। कोहरे के कहर से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें विलंब से चल रही है। यात्रियों क्या नाम है और क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ अलाव ताप रहे हैं, बहुत ठंड बढ़ गई है इसलिए अलाव जलाए हैं। कहाँ काम करते हैं? सरोज गांधी कॉलेज में काम करते हैं। किस वक्त पे? ड्राइवर की पोस्ट पे हैं। कौन कौन आप ताप रहा? ये हमारे संजू तिवारी हैं, ये भैया हैं, दीदी हैं, संदीप भैया हैं, सब लोग अलाव ताप रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। की संख्या भी काफी घट गई है। लोगों के घरों से न निकलने पर इसी तरह बसों के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ा है। रोडवेज की आय घटकर आधी रह गई है। ब्रजेश तिवारी क्या कर रहे हैं आज? यहाँ एफजी कॉलेज के स्टूडेंट हैं हम। क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ पे बैठ के अलाव ताप रहे हैं। किस लिए? ठंडी लग रही है। हर तोड़ ठंड में कर रहे मेहनत मजदूरी। मेहनत कश लोगों को ऐसी सर्दी में भी काम करके गुजारा करना पड़ रहा है। परशदेपुर क्षेत्र के रहने वाले रामकिशोर यहाँ रिक्शा चलाकर अपना और परिवार के पेट की आग बुझाते हैं। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ बैठे हैं आप? डिग्री कॉलेज का हो रहा है हेमू कल्याणी पार्क। क्या कर रहे हैं? आग ताप रहे हैं ठंड से बच रहे हैं भाई। और चाय के होटल पर चाय पियेंगे अभी? चाय पी चुके हैं अभी? नहीं, चाय बाहर रही है अभी। क्या कहेंगे ठंडी पे आप? कैसे? बहुत ठंड है, गलन है, शीत लहरी चल रही है बिल्कुल। रिक्शा ही उनका घर है और पीछे बंधा बिस्तर रात काटने में काम आता है। कहते हैं कि ऐसी ठंडी से भगवान जल्दी निजात दे। सर्द रातें जागकर काटनी पड़ रही हैं। ऐसे ही आसपास के गांव से आने वाले लल्लू अजय राम भरोसे भी बिल्डिंगों में मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। रायबरेली समाचार चैनल की खबर देखने के लिए आप सभी दर्शकों को धन्यवाद व आभार। खबर को आगे और भी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना नाम बता दीजिए, क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? मैं बब्बी शुक्ला हूँ, मेरा होटल चलता है और नगर पालिका के द्वारा अलाव की लकड़ियाँ भेजी जाती है। उन्हीं सौजन्य से अलाव यहाँ डेली जलता है। सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग आके हाथ सेकते हैं। रात में पुलिस वाले भी आते हैं, गश्त लगाते हैं, वो भी
आकर के हाथ सेकते हैं, और जब दो बज जाते हैं तो करीब जितने जानवर हैं, कुत्ते, कुतिया, गैया, सभी जानवर सुबह इकट्ठा जब दुकान खोलने आती है तो बहुत सारे कुत्ते, कुतिया, गैया सब यहाँ बैठी मिलती हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है कि मेरी दुकान सामने ऐसे ऐसे लोग आगे बैठते हैं। होटल का काम इतने समय चाय तो आपकी ज़्यादा सेल होती होगी ना? चाय सेल बढ़ी है मगर और चीज़ों में डाउन हो गया मामला। क्या कारण है उसका? ठंडक की वजह से चाय की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। ठंडक की वजह चाय की डिमांड ज़्यादा हो गई है। और किस चीज़ में कमी आई है? पकौड़े हैं, पकौड़ियाँ हैं, जब गर्म निकलता है तभी बिकते हैं, नहीं लोग पूछते हैं ठंडा या गर्म है। कौन कौन बैठा है यहाँ पे यार? हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, शहर के बहुत विशिष्ट लोग आते हैं, मीडिया वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, सर्जनी लोग, बीमार लोग जो आते हैं पेशेंट लेकर के, सब्जी वाले भी आते हैं, ठेले लगाने वाले, बहुत सारे लोग आके बैठते हैं, अलाव तापते हैं। किसी को मना नहीं करते आप? नहीं नहीं, हमें मना क्यों करना, चूँकि नगर पालिका है पूर्णा श्रीवास्तव जी के द्वारा,